ली है वो वाली रिपोजिटरी आपकी जहाँ पे लास्ट मैंने आपको छोड़ा था। अच्छा जी, इस रिपोजिटरी के अंदर क्या कर लिया था हमने, इसको ज़रा github.com पे भी एक दफ़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। github.com पे जाता हूँ मैं और ये रिपोजिटरीज में जाता हूँ, और जी ये हमारे पास है सेक्शन ए। ठीक है जी, ये हमारी रिपोजिटरी है जिसके अंदर एक अदद index.html की फाइल बनी हुई थी और एक img। बिल्कुल इसी तरह ये VS कोड में भी दिख रही है मुझे और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी दिख रही है। अच्छा, इसके अंदर अभी तक हमने जो बना लिया था वो एक अदद CV बना ली थी छोटी सी, जिसके अंदर प्लेन HTML का कोड था और किसी किस्म की स्टाइलिंग वगैरह इसके अंदर नहीं हुई हुई थी। अच्छा, तो आज हमने, आज की क्लास में हमने CSS का एक क्रैश कोर्स, एक दिन में हमने CSS को कंप्लीट करना है। जैसे हमने पिछली क्लास में एक दिन में HTML को कंप्लीट किया था, इस तरह आज हमने एक क्लास में CSS को कवर करना है। ठीक है जी। अच्छा, तो आ जाते हैं सबसे पहले इसके ऊपर हम CSS लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जी कैसे होता है। अच्छा, CSS को लगाने के ना तीन अलग अलग तरीके हैं, सही है। अच्छा जी, सबसे पहला तरीका, स्टाइल्स का टैग एक लगाऊंगा मैं, किधर लगाऊंगा, हेड के अंदर, जहाँ से हेड शुरू है और हेड ख़त्म है इसके दरमियान में मैं स्टाइल्स का टैग लगाऊंगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं यहीं पे लगाऊं, इसको मैं कहीं और भी लगाऊंगा तो चल जाएगा, ये काम करेगा स्टिल। अगर मैं इसको हेड की जगह मैं इसको बॉडी के अंदर भी ले जाऊं तो ये काम करेगा स्टिल, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि इसको यहाँ पर लगाया जाए। ठीक है। अच्छा, अब स्टाइल का टैग ओपन और क्लोज, इसके दरमियान में मैं तमाम का तमाम CSS का कोड लिखूंगा। अच्छा, तो सबसे पहला जो CSS का मैं कोड लिखने जा रहा हूँ वो क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी H1 और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस तरह रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी आपको, नो प्रॉब्लम है। वैसे आपने अगर टिकटॉक वगैरह बनानी है तो आप बना सकते हैं, लेकिन है ना, होता है ना टिकटॉक के लिए शॉर्ट क्लिप एक रिकॉर्ड करते हैं बाद में फिर उसको एडिट करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, वैसे पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो मैंने लिखा जी H1 और ये ब्रैकेट मैंने ओपन क्लोज की यहाँ पर। अच्छा, इसके दरमियान में मैंने लिखा जी कलर रेड, ये मैंने अपना पहला CSS लिख दिया यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है अभी समझते हैं थोड़ी देर में कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, H1 का कलर रेड हो जाएगा। अब पहले देख लेते हैं कि रेड होता है कि नहीं होता कलर। अच्छा, ये तो वो खुला हुआ है ना होस्टिंग वाला, इसको बंद कर देता हूँ मैं, इसको लोकल ओपन करता हूँ, कॉपी पाथ, इधर आया मैं, पेस्ट किया मैंने। ठीक है, तो ये हेडिंग H1 जो था उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि ये लिखी हुई क्या बात है। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टर। ठीक है, इसको हम सेलेक्टर कहते हैं। अच्छा, सेलेक्टर में मैंने लिखा कि H1 को सेलेक्ट करें आप, और सेलेक्टर लगाने के बाद, H1 को सेलेक्ट करने के बाद इस सेलेक्टर, ये पूरा सेलेक्टर आ गया हमारा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा जी, H1 जो है वो सेलेक्टर है और ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज है। अब इसके दरमियान में ना हम बताते हैं कि जी H1 को सेलेक्ट तो कर लिया, अब करना क्या है इसके साथ, तो मैंने बोला कि कलर इसका कर दो रेड। तो ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम रूल। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेलेक्टर और हमने पढ़ा रूल। अच्छा, अब मैंने H1 का सेलेक्टर लगाया है, मैं इसमें चाहूँ तो मैं कॉमा डाल के H2 को भी सेलेक्ट कर लूँ, दो सेलेक्टर लगा दिए मैंने। ठीक है ना, ये H1 और H2 दोनों सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, यहाँ पे आता हूँ, H2 अभी ब्लैक है, रिफ्रेश किया मैंने, H2 भी रेड हो गया। तो मैंने ये देखा कि मैं सेलेक्टर में क्या कर सकता हूँ, 1 2 3 सेलेक्टर भी लगा सकता हूँ, हाँ पैराग्राफ पे भी लगा सकता हूँ मैं, पी लगा दूंगा, ये पैराग्राफ हो गया, ये पैराग्राफ भी हो गया। ठीक है, तो मैं 1 2 या 3 सेलेक्टर इस पर मैं लगा सकता हूँ, तो सेलेक्टर बात समझ आ गई है मैं सेलेक्टर वाली। अच्छा, उसके बाद, अच्छा इसको लाइन ब्रेक इसने कर दिया, मैं, मेरी आदत है असल में ये फॉर्मेट करते रहने की ना, तो मैंने फॉर्मेट किया तो इसने क्या किया, इसका लाइन ब्रेक कर दिया। इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट करता हूँ तो ये इसको ऐसे कर देता है, ठीक है, इंडेंटेशन कर रहा है एक्चुअली ये, तो ऐसे भी ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद ये दो सेलेक्टर तो मैंने लगा दिए, 3 4 जितने भी लगा सकता था मैं। उसके अंदर फिर मैंने जो रूल लिखा है, अभी मैंने लिखा है एक रूल, इसके अलावा मैं 1 2 रूल इसमें और भी लिख सकता हूँ।
मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जी H1 का ना सिर्फ आप कलर रेड करो बल्कि क्या कर दो आप इसके ऊपर बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो देखते हैं कि जी अब कलर लाल होने के साथ साथ इस पर बॉर्डर भी लग जाता है कि नहीं लग गया बॉर्डर, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया, हमने अभी तक ये सीख लिया कि जी CSS जो लिखी जाती है उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उसमें सेलेक्टर्स होते हैं और उसके अंदर रूल्स होते हैं। मैंने इस वक्त 2 सेलेक्टर लगाया, 2 रूल लगाया, मेरी मर्जी थी, मैं सिर्फ H1 पे लगाता है, सिर्फ H2 पे भी लगा सकता था, दोनों पे लगा दिया मैंने। रूल के अंदर जी कलर रेड कर दिया, बॉर्डर लगा दिया, अच्छा रूल तो फिर बहुत सारे होंगे कि जी शेडो लगा दिया, फॉन्ट चेंज कर दिया, फॉन्ट का साइज चेंज कर दिया, बहुत सारी चीज़ें होंगी अब इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारी CSS क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। कैसे कंप्लीट हो गई, कंप्लीट इस तरह हो गई कि अगर हमें कहीं से ये लिस्ट पता चल जाए कि कितने तरह के सेलेक्टर होते हैं CSS में और कौन कौन से रूल अवेलेबल हैं, तो हमें CSS पूरी आ गई है। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैंने जिक्र किया था कि CSS को लगाने के 3 तरीके हैं, तो ये पहला तरीका है। अब इसी एग्जैक्ट इसी CSS को मैं एक दूसरे तरीके से लगाता हूँ, तो ये वाला तरीका जो है वो क्या है, नॉट रिकमेंडेड है। ये वाला तरीका क्या है, नॉट रिकमेंडेड है। इसको मैंने पूरे CSS को ऐसे कट किया, ठीक है, स्टाइल को नहीं कट किया, सिर्फ CSS के कोड को किया। अच्छा, और मैंने क्या किया, यहाँ पे आके मैं सॉरी बल्कि ऐसे नहीं है, इसको पूरे को मैं हटा देता हूँ कोड को, ठीक है। ये पहला तरीका है, ये नॉट रिकमेंडेड, मैंने हटा दिया। हटाने से क्या होगा, ये सारा का सारा पहले जैसा हो गया। अच्छा, अब दूसरा तरीका जो है वो क्या है कि मैं H1 पे आऊँ, यहाँ पे लिखूँ स्टाइल, ठीक है, स्टाइल लिख के वही चीज़ यानी कलर रेड मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, कलर रेड लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इस H1 का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये सारे H1 का नहीं होगा, सिर्फ इसी H1 का होगा जिस पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कोई CSS लगाना चाहता हूँ मैं इस पर, बॉर्डर, मैं कहता हूँ जी बॉर्डर भी लगा दो, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर भी लग जाएगा, लेकिन लगेगा किस पे, सिर्फ इसी H1 पे लगेगा। अगर कोई दूसरा H1 भी हुआ साथ में तो उस पे ये नहीं लगेगा, सही है। मैं नीचे एक दूसरा H1 भी बना देता हूँ, सही है, मैंने क्या किया, नीचे एक दूसरा H1 भी बना दिया, जस्ट टू डेमॉन्स्ट्रेट। तो ये नीचे जो दूसरा H1 है इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, ये वाला तरीका जो है ये भी क्या है, नॉट रिकमेंडेड है, तो मैं इसको भी यहाँ से क्या करूँगा, रिमूव कर दूँगा, ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने, रिमूव करने से ये पहले जैसा हो गया वापस। अच्छा, जो तीसरा तरीका है और रिकमेंडेड तरीका, इसको स्टाइल का टैग भी हटा देता हूँ मैं, सही है, ये सब कुछ मैंने पहले जैसा कर दिया। इस हेडिंग जो एक्स्ट्रा लगाई, हेडिंग भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये बिल्कुल पहले जैसा हो गया, कोई इसमें चेंज नहीं है, ये बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अच्छा, अब जो तीसरा जो तरीका है और रेकमेंडेड तरीका है वो क्या है कि आप आएंगे यहाँ पे और आप स्टाइल डॉट CSS के नाम से एक फाइल बनाएंगे, ठीक है, स्टाइल्स डॉट CSS के नाम से एक फाइल बना ली। अच्छा, इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पे लोग इसको style.css रखते हैं। अगर आप इसका कोई दूसरा नाम भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चलेगा, जैसे इंडेक्स में होता था ना, नाम चेंज किया तो चलना बंद हो, तो इसमें वो वाला इशू नहीं है। अगर इसका नाम आप चेंज भी करेंगे तो ये चलेगा, लेकिन इसका नाम आम तौर पे यही रखा जाता है style.css, तो आप कोशिश करें कि आप भी इसका यही नाम रखें। अच्छा, style.css में आके मैंने क्या बोला, मैंने कहा H1, वही तरीका है पूरा, सेलेक्टर और रूल वाला, ठीक है। मैंने कहा कि जी H1 पे हमने क्या करना है, कलर उसका कर देना है रेड, सही है। अच्छा, H2 का भी कलर रेड कर देना है। तो मैंने 2 सेलेक्टर लगाए, 1 रूल लगा दिया, ठीक है जी। आके देखते हैं अब होता है कि नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अलग फाइल है, मुझे अपने HTML को बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी CSS की फाइल की तरफ देखना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, अगेन मैं हेड में आया हूँ, लेकिन अब की बार मैं स्टाइल का टैग नहीं लगा रहा हूँ, अब की बार मैं लिंक का टैग लगा रहा हूँ, लिंक। अच्छा, ये कैसे किया, मैंने लिंक लिखा और ये नीचे सजेशन आ रही है, इस पर एंटर कर दिया, दैट्स इट, .slash style.css। अच्छा, ये डॉट स्लैश आपने ज़रूर लगाना है, ठीक है। अगर आप डॉट स्लैश नहीं लगाएंगे ना, आप जस्ट ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है ये काम ना करे। इमेजेस में भी ये मसला आएगा आपके पास, इमेज भी आप लगाएंगे ना तो आपने डॉट स्लैश करके लगाना है, ठीक है।
इमेज मैंने आपको वैसे लगाना बताई हुई ना, हाँ ये डॉट स्लैश करके बताई हुई थी लास्ट क्लास, तो आप इसको अगर आप डॉट स्लैश नहीं लगाएंगे सिर्फ आई एम जी लिखेंगे इस तरह, तो ये मसला करेगा, प्रॉब्लम करेगा ये, ठीक है, क्योंकि लिनक्स के अंदर जो है वो लिनक्स के अंदर जो है वो सिर्फ स्लैश और डॉट स्लैश का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है, डॉट स्लैश का मतलब होता है कि इस फोल्डर में, अच्छा अगर आप ये स्लैश बिल्कुल ही नहीं लगाते तो ये कंसिडर करता है कि स्लैश लगा हुआ है, लिनक्स की बात हो रही है, क्योंकि जो इंटरनेट पूरा चलता है वो लिनक्स पे चलता है, ठीक है, जहाँ पे github.com पे जहाँ भेजते हैं इसको ना वो लिनक्स है, ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लिनक्स इस्तेमाल करना है, आपने विंडोज़ ही इस्तेमाल करना है, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो आपने विंडोज़ पे ही रहना है, इससे बिल्कुल भी कोई ये मतलब ना ले कि आपने विंडोज़ छोड़ देना है, पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज़ और मैक सबसे बेस्ट हैं, लिनक्स पर्सनल कंप्यूटर के अंदर अच्छा नहीं है, ये चीज़ आप जहन नशीन कर लें, ठीक है, हाँ अगर किसी को लिनक्स बहुत अच्छी चलानी आती है तो वो चलाए, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन पर्सनल कंप्यूटिंग में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने विंडोज़ या मैक इस्तेमाल करना है, एटलीस्ट अभी आप बिगनर्स हैं सारे, क्योंकि लिनक्स के अंदर, लिनक्स असल में बना है सर्वर के लिए, वो पर्सनल लैपटॉप कंप्यूटर के लिए बना नहीं है, तो पर्सनल कंप्यूटर में उसमें बहुत सारे काम बहुत मुश्किल से होते हैं और बहुत मसले करता है वो, ठीक है, लिनक्स क्योंकि ओपन सोर्स है तो वो उसको बस अल्लाह वास्ते ही चल रहा है, यानी डेस्कटॉप वाला जो है, हाँ बाकी सर्वर वाला जो है वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो हेडलेस होता है, वो चलता है टर्मिनल पे, जो सर्वर के ऊपर जो लिनक्स होता है ना वो तो टर्मिनल पे चलता है, काली स्क्रीन होती है सिर्फ, उसमें कोई माउस वाउस नहीं होता, माउस की ज़रूरत ही नहीं होती उसमें, ना माउस होता है, तो वो वाला लिनक्स सबसे सही है, ओके, लेकिन ज़ाहिर है वो तो नहीं चलाएंगे ना, पर्सनल कंप्यूटर में तो आपने माउस वाला चलाने लगे, तो माउस वाला जो लिनक्स है ना, जो स्क्रीन वाला यूबंटो जो पता नहीं और आर्च और पता नहीं क्या, वो सारा कचरा है, उसको आप करेंगे इंस्टॉल तो ज़िंदगी भर आप लिनक्स के ही एरर संभालते रहेंगे, लिनक्स हर चीज़ में एरर देगा आपको बिला वजह, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप बिगनर्स हैं, आप अगर विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बचपन से हाथ सेट है आपका विंडोज़ पे, तो आप इज़्ज़त के साथ विंडोज़ ही इस्तेमाल करें, ठीक है, या तो क्योंकि मैं खुद अपनी बात करूँ ना, मुझे 10 साल हो गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो मैंने कई दफ़ा कोशिश की कि मैं लिनक्स पे मूव कर जाऊँ, लेकिन अल्टीमेटली मेरा नतीजा यही निकला कि वो लिनक्स ना डेस्कटॉप के लिए बना ही नहीं है, तो मैं कई दफ़ा मैंने इंस्टॉल किया लिनक्स, लेकिन वो वापस मैंने विंडोज़ की, फिर अल्टीमेटली आज से 3-4 साल पहले मैं मैक पे शिफ्ट कर गया, क्योंकि विंडोज़ के बाद जो अच्छा कंप्यूटर वो मैक है, ठीक है, तो विंडोज़ आप चलाएं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैक लें और नया लें न्यू, ठीक है, मैक कभी भी आपने पुराना नहीं लेना, न्यू लेना है, मतलब न्यू का मतलब है कि 2-4 महीने चला हुआ अभी हो तो सही है, पुराना कभी भी नहीं लेना, क्योंकि जो मैक जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना वो मेरे जैसे होते हैं, मेरे पास ये कंप्यूटर 14-14 घंटे ऑन रहता है और कभी कभी 24 घंटे ऑन रहता है, क्योंकि मैंने कोई चीज़ लगाई प्रोसेसिंग पे लगाई तो मैं रात को उसको ऑन करके छोड़ के चला के सो जाता हूँ, तो वो अच्छा खासा रगड़ के रखता है बंदा मैक जो भी इस्तेमाल करता है ना वो अच्छा खासा रगड़ के रखता है, तो आपने पुराना कभी भी नहीं लेना है ना, अब मैं देखो 3-4 साल से मैं उसको चला रहा हूँ पता नहीं, तो इसके अंदर कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, अभी पूरा कर दिया उसको मैंने, ठीक है ना, तो ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि लिनक्स के एनवायरनमेंट में इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लिनक्स चलाना है, इसका मतलब ये कि आपको जस्ट ये पता होना चाहिए। अच्छा तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक style.css की फ़ाइल बना ली और यहाँ पर आकर मैंने लिंक इसका अटैच कर दिया कि जी इस HTML की फ़ाइल के अंदर जो स्टाइलिंग अप्लाई होगी वो इधर से अप्लाई होगी इस फाइल के अंदर से, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, अब मैं जाके जब इसको चेक करूँगा ना तो ये अब स्टाइल अप्लाई हो चुका होगा। तो हमने आज की क्लास में अभी तक क्या सीख लिया, नंबर एक बात हमने सीखी कि CSS को लगाने के 3 तरीके होते हैं जिसमें से एक रेकमेंडेड है बाकी 2 नॉट रेकमेंडेड है, ठीक है, तो नंबर एक बात हमने ये सीख ली, नंबर दो बात हमने ये सीखी कि CSS के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है, सेलेक्टर हैं और रूल्स हैं, अगर हमने सारे सेलेक्टर सीख लिए और हमने सारे रूल सीख लिए तो CSS हमें आ जाएगी, ठीक है, अब अभी इतना पढ़ने के बाद अब आगे की जो लर्निंग है ना CSS की वो जस्ट ये है कि कितने सेलेक्टर हैं और कितने रूल हैं। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, कहीं इंटरनेट पे चल के तलाश करते हैं कि जी CSS के रूल कितने हैं और सेलेक्टर कितने हैं, पता लग जाएगा तभी हमें, आ जाते हैं जी हम, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल CSS सेलेक्टर्स, ठीक है, टोटल 12 के करीब CSS के अंदर सेलेक्टर्स हैं जिसमें से हमें 2 भी हम समझ लेना तो हमारे लिए गुड इनफ है इस कोर्स के अंदर, ठीक है, एक तो हमने समझ लिया, एक हमने समझ लिया नेम
से जो सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इस सेलेक्टर का एक नाम होता है, इस सेलेक्टर का नाम होता है ये वाला जो है ना नेम जो लिख के हम सेलेक्शन करते हैं, इसको कहते हैं हम टाइप सेलेक्टर। अच्छा ये बहुत आसान है, जिस एलिमेंट पे लगाना है उसका नाम लिखो, लग गया, दैट्स इट। अच्छा अगला सेलेक्टर जो है हमारे पास यहाँ पे वो है क्लास सेलेक्टर, ठीक है। यहाँ पे वैसे लिस्ट नहीं आई है सीएसएस सेलेक्टर की, आनी आ गई है ना, यूनिवर्सल सेलेक्टर आ गया। अच्छा यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या है, ये स्टैरिक है, स्टैरिक करके जो भी चीज़ लिखेंगे ना हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा वो। अच्छा अब तो यार बड़े बल्कि आसान हो गया ना बड़ा, हम चलते हैं चैट जीपीटी के पास, हम उसको बोलते हैं यार हमें ज़रा सही से बताओ यार, वो ये डॉक्यूमेंट ना कुछ मतलब मज़ेदार नहीं है, सीधी लिस्ट नहीं आ रही इसके अंदर। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ भाई, लिस्ट ऑल सीएसएस सेलेक्टर्स, ठीक है ना, ये देखो इसने बेहतरीन लिस्ट बना दी। अच्छा इसने बोला भाई एक यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है जो स्टैरिक करके लगता है, एक होता है टाइप सेलेक्टर जो उसमें एलिमेंट का नाम लिखते हैं, मैं कहता हूँ पी लिखेंगे तो सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ एलिमेंट, ये दो हमने समझ लिया, आसान था। अच्छा उसके बाद है क्लास, बस यहाँ ये हमें दो पता लग गया ना ये सिर्फ, अगर तो हमारे लिए गुड इनफ है इस कोर्स के अंदर, बाकी नीचे वाले भी आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि चाइल्ड सेलेक्टर वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन ये दो भी समझ जाए ना अभी तो इस कोर्स के लिए हमारे लिए गुड इनफ रहेगा आज अभी के लिए। अच्छा क्लास सेलेक्टर का क्या चक्कर है, मिसाल के तौर पे जब हमें कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है जो हम क्या कर सकें उसको रीयूजेबल कर सकें, जैसे मिसाल के तौर पे क्लास बनाता हूँ मैं डिम, ठीक है, और डिम करके मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कलर ग्रे, सही है, ये मैंने थोड़ा अच्छा इसको मैंने कैसे किया गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने हवर किया, ये हवर वाली फैसिलिटी कौन दे रहा है, ये वीएस कोड दे रहा है मुझे। अच्छा मैंने वैसे तो रेड लिखा था, ग्रे लिखा था, लेकिन यहाँ पे आके मैंने क्या किया, ये ग्रे को थोड़ा सा लाइट या थोड़ा सा डार्क भी कर सकता हूँ मैं, लाइट हो गया थोड़ा। अच्छा इस पर ना जस्ट मैं हवर कर रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा, क्लिक करूँगा तो क्लिक करूँगा गायब हो जाएगा, इस पर जस्ट मैंने हवर किया ऐसे आया, और यहाँ पर रेड और या जो भी मैंने कलर सेलेक्ट करना है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये कलर सेलेक्ट हो रहा है। तो अभी मैंने डार्क एक ग्रे का ना डार्क शेड एक सेलेक्ट कर लिया है, ये क्या हुआ, हाँ ये फोर यहाँ पे एक्स्ट्रा पता नहीं कैसे हो गया, सही है। तो ये आरजीबी है असल में, रेड ग्रीन और ब्लू, ये तीन कलर होते हैं ना आरजीबी कलर होते हैं, तो ये तीनों की वैल्यूज़ हैं एक्चुअली, ये ठीक है तीनों को मैं, अच्छा इनकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होती हैं, जीरो से लेकर 255 तक होती है, ठीक है। तो वेल अभी तो हम सेलेक्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम इस रूल को भी ज़रा देखते हैं कि ये रूल का क्या चक्कर है। अच्छा तो मैंने क्या किया, डॉट डिम करके एक क्लास बनाई मैंने क्या बनाई, एक क्लास बनाई मैंने। अच्छा अब मैं ये बताऊंगा कि इस क्लास से कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो जाके बता दूंगा। अच्छा आता हूँ मैं अभी अपने HTML के अंदर, है ना, और मैं बोलता हूँ कि जी ये जो मेरा पैराग्राफ है ना इसकी जो क्लास है वो क्या है, डिम है, ऐसे करके मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा अब ये डिम जो है ना ये रीयूजेबल है, इसका फ़ायदा क्या है क्लास वाले का, ये रीयूजेबल है। मैं अच्छा पहले तो इसके इतने को देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ, रिफ्रेश किया मैंने तो आप देखें इसका कलर जो है वो ब्लैक से जो है ना ग्रे हो गया, अभी नीचे वाला देखें स्टिल ब्लैक है। अच्छा अब ये रीयूजेबल है, अब मेरे पास अगर एक और भी पैराग्राफ होता कोई, ठीक है मेरे पास एक और भी कोई पैराग्राफ होता तो मैं उस पर भी ये डिम लगा देता। आते हैं जी रिफ्रेश किया मैंने, देखें ये दोनों पे लग गया, इस पर भी लगा हुआ है और इस पर भी लगा हुआ है, ठीक है दोनों पे लग गया, तो ये रीयूजेबल हो गया अब मेरे पास। अच्छा इसी तरीके से मैं बायोडेटा वाले पे भी लगा देता हूँ जी क्लास डिम, तो बायोडेटा भी क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सही है। पहले इस पे रेड कलर था लेकिन बाद में जो बताऊँगा मैं उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, जो मैं बाद में बात लिखूँगा ना उसकी प्रेसिडेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा तो ये हमने समझ लिया, नंबर एक टाइप सेलेक्टर, नंबर दो क्लास सेलेक्टर, ये दोनों में समझ आ गया, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ पूछ सकता है। ये सब लोगों को समझ आया कि टाइप सेलेक्टर कैसे चल रहा है और क्लास सेलेक्टर कैसे चल रहा है। टाइप सेलेक्टर के अंदर मुझे HTML में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस मैं H1 लिखता हूँ डायरेक्ट अप्लाई होता है, लेकिन जब मैं क्लास बनाता हूँ तो मुझे बताना पड़ता है
कि इस क्लास से कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं। मैंने अभी क्या बताया, मैंने भी बताया कि जी एच टू जो है ना ये इस क्लास से बिलोंग करता है डिम से। तो इस जब इसको पता लगा ना इस एच टू को कि अच्छा जी मैं उस क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो फ़ौरन इसने देखा कि इस क्लास में क्या चीज़ है, उठा लिया फ़ौरन और अपने आप पर ऐसे लगा लिया। अच्छा जी ये हो गया। अब हम ज़रा देख लेते हैं ये रूल और कौन कौन से हैं। सेलेक्टर तो 12 हैं जिसमें से दो हमने पढ़ने हैं सिर्फ, हमारे लिए गुड इनफ है अभी, बाकी आप बाद में खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक्सप्लोर करना भी बड़ा आसान है ना, अभी आप देखें ना कि जैसे कि आईडी सेलेक्टर है, तो मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ आके, ठीक है, एक्सप्लेन आईडी सेलेक्टर इन डिटेल और इन उर्दू, उर्दू में बताएगा आपको ये कि ये आईडी सेलेक्टर क्या होता है। ये देखें आप, कुछ लिखा है इसने, पता नहीं, मुझे तो इंग्लिश वैसे ज़्यादा समझ आती है, डेफिनेशन वगैरह में ना मुझे इंग्लिश ज़्यादा सही समझ आती है, इसने वेल उर्दू में लिख दिया। लेकिन आंसर को मुंतखब करने के लिए किया जाता है सेलेक्टर, ये असल में ना उसने वो लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन कर दिए कुछ। इसको मैं बोलता हूँ रोमन उर्दू में समझाओ यार, रोमन उर्दू, हाँ रोमन उर्दू में समझाओ। नहीं इसको मैं नया न्यू करता हूँ, है ना, इसको मैं न्यू चैट करता हूँ, न्यू चैट करने से ये पुरानी बातें भूल जाता है। इसको मैं बोलता हूँ कि यार एक्सप्लेन आईडी सेलेक्टर इन डिटेल इन रोमन उर्दू, ये आ गया ना। अच्छा क्या लिखा है इसने, आईडी सेलेक्टर या आइडेंटिफिकेशन सेलेक्टर, ये आईडी का फुल फॉर्म भी बता दिया इसने, एक सीएसएस में इस्तेमाल होने वाला तरीका है जिससे आप एचटीएमएल एलिमेंट को यादगार यूनिक तौर पर पहचान सकते हैं। आईडी सेलेक्टर के इस्तेमाल का यूजुअली उस वक्त होता है जब आप किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट पर सिर्फ एक ही स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसने नीचे ये कोड भी बना के दे दिया कि यार ये कोड है इसका, नीचे एचटीएमएल भी लिख दी, एक्सप्लेन भी कर दिया उसको, पूरा उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया, तो ये तो कोई मसला नहीं रहा, अब आसान हो गया ना काम। अच्छा इसी तरीके से अब मैं उसको बोलता हूँ, अब 12 सेलेक्टर है ना, तो आप इस तरह सीख सकते हैं बहुत आसानी के साथ, आपको W3 स्कूल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, चैट जीपीटी आपको हर चीज़ बताएगा। अच्छा न्यू चैट किया मैंने अब, अच्छा मैं इसको बोलता हूँ कि जी अब लिस्ट ऑल CSS रूल्स, ठीक है CSS के, अब हमने सेलेक्टर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, अब रूल्स को देख लेते हैं। अच्छा ये इसने तमाम पॉसिबल जो रूल्स थे ना CSS के अंदर जो लग सकते हैं, उन तमाम की इसने लिस्ट बना दी, ठीक है, तो टोटल 15 कैटेगरीज में इसने इसको डिवाइड किया, और हर कैटेगरी में 4-4, 5-5, 6-6 के करीब ये है रूल, ठीक है, हर कैटेगरी के अंदर 4-4, 5-5 है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ 2-4 को ट्राई करते हैं, है ना, इनमें से कुछ 2-4 को ट्राई करते हैं। अच्छा HTML में मैंने आपको बताया था वो W3 स्कूल से लिस्ट बताई थी HTML एलिमेंट्स की, अच्छा CSS में मैंने आपको चैट GPT बता दिया, तो दोनों HTML भी आप चाहें तो चैट GPT से इस तरह कर सकते हैं, बताएगा आपको ये, ठीक है, और इसी तरह CSS भी आप चाहें कि नहीं आप W3 स्कूल से ज़्यादा अच्छा समझ आता है क्योंकि वो बुक की एक शक्ल होती है तो वहाँ से आप करें, ठीक है, लेकिन आपके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये आपके पास आ चुका है। अच्छा तो हमने अभी तक देख लिया कलर, बैकग्राउंड कलर नहीं देखा हमने, है ना, बैकग्राउंड कलर देखते हैं। अच्छा बैकग्राउंड कलर में क्या बोलता हूँ कि जी बॉडी पे ना देखिए, हमारे पास बॉडी का भी एक टैग है ना, बॉडी का टैग है ये, बॉडी का टैग कहाँ से शुरू है कहाँ ख़त्म है, ये पूरा यहाँ तक आखिर तक है, ये पूरा ये सब कुछ बॉडी के अंदर है, ये बॉडी है, ये पूरा बॉडी के अंदर है, यहाँ बॉडी ख़त्म है। तो अगर मैं बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे दूँ तो इसका मतलब मैं पूरे पेज पे दे रहा हूँ मैं एक्चुअली, तो मैं इधर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि जी बॉडी के ऊपर आप बैकग्राउंड कलर दे दो ब्लैक, है ना, डार्क बैकग्राउंड वाले आजकल चलती है ना वेबसाइट, आजकल डार्क बैकग्राउंड वाली चल रही है मार्केट में, जैसे ये इसका भी डार्क बैकग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ जैसे ही, तो मेरे बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अच्छा लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि मेरा टेक्स्ट जो था वो भी ब्लैक था, तो वो गायब हो गया।
अच्छा तो अब मैं क्या करूँगा, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करूँगा। अच्छा टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा बॉडी के ऊपर जो सिर्फ कलर लिखूंगा तो वो टेक्स्ट का कलर होता है वाइट, ठीक है। टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। अच्छा जिस पे मैंने डिम वाली क्लास लगाई हुई थी वो तो उस पे कलर तो मैंने दिया हुआ था तो उसको नहीं चेंज हुआ वो, बाकी लेकिन जो थे वो वाइट हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी आप नोट करें कि ये जो कलर है ना ये बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया। जो डार्क बैकग्राउंड वाली वेबसाइट होती है उसका कलर इतना ब्लैक नहीं होता है, जैसा कि चैट जीपीटी में आप देखें ये फुल ब्लैक नहीं है, ये वाला अगर मैं कलर देखूँ ना तो ये फुल ब्लैक नहीं है, है ना। अच्छा तो कैसे पता लगेगा ये कलर कौन सा है? मैं ये कलर अपनी वेबसाइट में यही कलर लगाना चाहता हूँ, कैसे लगाऊंगा मैं? तो मेरे पास एक एक्सटेंशन है जिसको कलर पिकर एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा आप गूगल पे जाके लिखेंगे सही है एक्सटेंशन और क्रोम लिख देंगे साथ में तो ये एक्सटेंशन बहुत सारी आ जाए। कलर ज़िला देखिए पहले नंबर पे आ गया, कलर ज़िला है ना, ये इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ ऑलरेडी। अच्छा कैसे इंस्टॉल हो के आता है ये? तो अब किसी भी पेज पर मैं जाकर क्या करूँगा, ये मेरे पास कलर ज़िला इंस्टॉल हुआ हुआ है, ठीक है कलर ज़िला ये, इस पर क्लिक करूँगा और पिक कलर फ्रॉम पेज का बटन दबाऊँगा मैं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास देखो क्या बन के आ गया ये कलर पिकर। अच्छा देखो मैं ग्रीन पे लेके जाऊँगा तो ये मुझे बता रहा है कि ग्रीन कलर है और इसका कोड भी ऊपर बता रहा है, देखो RGB में कोड लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा तो मुझे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला कलर। अच्छा यहाँ पे लाके मैं जो मेरे मतलब का कलर है उस पे लाके मैं क्लिक करूँगा एक दफ़ा, तो क्लिक करते ही इसने बोला कि कलर आपका कॉपी हो चुका है आपके क्लिपबोर्ड पे, यानी कि कलर आपका कॉपी हो चुका है। और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूँगा, मैं बोलूँगा कि यार ये ब्लैक हटाओ और इसको पेस्ट करो, तो ये कलर पेस्ट हो गया, ठीक है। ये ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक से आप यहाँ पर अगर देखें ना ये ब्लैक से थोड़ा सा हल्का है। अच्छा तो अब आके देखते हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, अब ये थोड़ा कम ब्लैक हो जाएगी रिफ्रेश करते ही, थोड़ा कम ब्लैक हो गई रिफ्रेश करते ही। अच्छा इसी तरह उनके टेक्स्ट का जो कलर है वो भी मैं उड़ाना चाहता हूँ यहाँ से, है ना, मैं चाहता हूँ उनके टेक्स्ट का जो कलर है वो भी उड़ा लूँ मैं यहाँ से। ये इनका जो टेक्स्ट का कलर है ये हल्का सा ग्रे है, ये पूरा वाइट है। अच्छा तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, पिक कलर फ्रॉम पेज और इधर जाके ना ये मैंने यहाँ से इसका कलर पिक करना है कहीं से, कहाँ से पिक कर लूँ मैं, ये इसमें से कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कलर देखो पिक कर लिया यहाँ से। अच्छा इधर मैं क्लिक करूँगा कॉपी हो गया कलर, इधर आऊँगा मैं और ये वाइट को हटा कर ये लगा दूँगा, देखो ये वाइट नहीं है, ये वाइट होता तो ये पूरा कोने पर होता, थोड़ा कम है वाइट से ये, तो मेरा सारा का सारा जो कलर है पेज का वो क्या हो जाएगा, वो वाइट से थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, नोट करें आप, अभी अब मुकम्मल वाइट नहीं रहा। तो इस तरह क्या हो सकता है कि किसी भी वेबसाइट से अगर आपको लग, ज़ाहिर है कलर सिलेक्शन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क ना, कि आप जब कलर लगाते हैं जैसे मैंने देखो रेड लगाया था गोला डंडा सा लग रहा है, तो आपको क्या करना होता है कि कलर अगर चूज़ करना होता है और आपने किसी दूसरी वेबसाइट में वैसा कलर देखा हुआ है तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं डायरेक्ट उस वेबसाइट पर और कलर को कलर कोड वहाँ से निकाल लेते हैं उसको और वो अपनी वेबसाइट पर आप लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस रेड कलर का भी कुछ करते हैं, ये रेड कलर बहुत ही वाहियात है। ठीक है कोई अच्छी सी वेबसाइट ढूंढते हैं और वहाँ से कलर कॉपी मारते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार डार्क बैकग्राउंड वेबसाइट, अच्छा जी ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, इस तरह का होना चाहिए कुछ। अच्छा इस तरह का बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, कलर तो देखो ये वाइट ही है, ठीक है वाइट है या नहीं है वो भी ज़रा चेक कर लेते हैं यहाँ से। इधर से मैं आया पिक कलर फ्रॉम पेज किया, ये है तो वाइट ही है, ये मैंने इधर रखा और कॉपी किया इसको मैंने, और कॉपी करके मैं क्या करूँगा इधर ला के उसको चेक करूँगा, है ना H1 के ऊपर ही है ना, अच्छा वाइट ही है, ऑलमोस्ट पूरा वाइट है ये, ठीक है। तो कलर तो ये वाइट है, लेकिन वाइट होने के अलावा
इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा है, और दूसरा इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका जो फॉन्ट है वो क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये दोनों काम करने पड़ेंगे मुझे, तो मेरा टैक्स वैसा ही बन जाएगा। अभी मेरा टैक्स क्या है, अभी मेरा टैक्स ऐसा वाइट है, ठीक है। तो आ जाते हैं सबसे पहले फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं पहले, तो मैं गूगल पे इससे जाके पूछता हूँ चैट जीपीटी से। अच्छा ये लिखा हुआ तो आ गया वैसे फॉन्ट साइज, लेकिन अब मुझे पता कैसे लगेगा कि फॉन्ट साइज को लिखते कैसे हैं। तो इससे मैं बोलता हूँ कि यार गिव मी एग्जाम्पल कोड फॉर फॉन्ट साइज, ये देगा एग्जाम्पल कोड लिखते मुझे। इसने बोला यार इस तरह करोगे आप, एच वन लिखोगे फॉन्ट साइज 24 पिक्सल, सही है, पिक्सल में आप इसको साइज दे दोगे, बिल्कुल आसान है। अच्छा साथ में इसने ये भी लिखा कि आप पिक्सल के अलावा ई एम आर ई एम या पॉइंट वगैरह भी यूज कर सकते हैं। आर ई एम जो सबसे आजकल फेमस चल रहा है, ठीक है, आर ई एम आजकल सबसे फेमस चल रहा है। आर ई एम का मतलब क्या होता है कि बॉडी का जो साइज है ना टेक्स्ट का, वन आर ई एम का वो मतलब होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ अगर फॉन्ट साइज, अच्छा अगर मैं कोई भी फॉन्ट साइज ना लगाऊं तो जो बॉडी का टेक्स्ट होता है उसका साइज क्या होता है, 16 पिक्सल होता है जो बॉडी का टेक्स्ट है, ठीक है। जो बॉडी का टेक्स्ट होता है ना ये वाला, ये जो है ये 16 पिक्सल इसका साइज है, ठीक है। और एच वन जो होता है ये बॉडी का डबल होता है हमेशा, तो मतलब क्या हुआ 32 पिक्सल होगा ये। अच्छा तो जब मैं बोलता हूँ ना वन आर ई एम तो इसका मतलब होता है 16 पिक्सल, क्योंकि बॉडी का साइज 16 पिक्सल है। मैं 2REM बोलूंगा तो इसका मतलब 32 पिक्सल, तो मैं 2REM बोलूंगा ना तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 2REM है, जो हेडिंग का साइज होता है वो डबल होता है, तो ऑलरेडी ये 2REM है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको। अच्छा तो इसको अब मैं क्या करूंगा, इसको अब मैं 3REM करूंगा तो ये बड़ा होगा, बड़ा हो गया। लेकिन जितने भी एच वन थे ये सारे बड़े होंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे एच वन लिखा हुआ है और H2 भी लिखा हुआ है, तो H2 को हटा देता हूँ, मैं सिर्फ H1 को बड़ा करना चाह रहा हूँ ना, H2 को नहीं करना चाह रहा, H1 को सिर्फ मैंने बड़ा किया, सही है, H1 को मैंने बड़ा कर दिया। शायद मुझे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, इसको मैं कर देता हूँ 6REM, ठीक है, इतना ही बड़ा था ना यहाँ पे इस वेबसाइट में, हाँ इतना ही बड़ा था। तो साइज तो अच्छा खासा बड़ा हो गया। अब मुझे फॉन्ट तलाश करना है इस तरह का कोई, तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, देखते हैं सीएसएस में क्या बताया हुआ है उन्होंने, फॉन्ट फैमिली बताया हुआ, ठीक है, एक्सप्लेन फॉन्ट फैमिली विथ एग्जांपल, सही है, विथ एग्जांपल कर दिया मैंने, अच्छा ये इसने लिख दिया जी कि पैराग्राफ लिखोगे आप फॉन्ट फैमिली और उसके बाद आप लिखोगे एरियल, हेलवेटिका और सैन सेरिफ, ठीक है, लेकिन इसकी जगह पे किसी भी दूसरे फॉन्ट का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे इन्होंने ये भी बता दिया कि कौन कौन से फॉन्ट का नाम रख सकते हैं, ठीक है, ये तीन बात इसने बताई है कि इफ़ द ब्राउजर फर्स्ट अटेम्प्ट टू यूज़ एरियल, अच्छा एरियल का नाम पहले लिखा हुआ है तो पहले एरियल फॉन्ट को लगाने की कोशिश करेगा ये, ठीक है। सेकेंड नंबर पर इफ़ एरियल इज़ नॉट अवेलेबल ऑन यूज़र कंप्यूटर इट ट्राइज हेलवेटिका फॉन्ट, और अगर वो भी नहीं मिलेगा तो फिर एरियल और हेलवेटिका दोनों नहीं मिला तो फिर क्या करेगा वो, सैंस सेरिफ का कोई भी फॉन्ट लगा देगा, ठीक है। सैंस सेरिफ का मतलब क्या होता है, एक तो जो फॉन्ट है ना हमारा ये चोंच चोंच वाला फॉन्ट है, ये हर चीज़ क्या कहते हैं, चोंच निकली हुई है, इन चोंचों को असल में कहते हैं हम सेरिफ, और सैंस सेरिफ का मतलब होता है कि चोंच कटी हुई है ना, तो ये सेरिफ फॉन्ट है और जिसकी चोंच नहीं होगी वो सैंस सेरिफ होता है, तो ये वाला फॉन्ट जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली सैंस सेरिफ है क्योंकि इसकी चोंच नहीं निकली हुई कहीं से भी। अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो यही वाला लगाता हूँ लाके ना, यही वाला फॉन्ट फैमिली पूरी मैं ऐसे कॉपी करके ना पहले तो यही वाली लगा कर ट्राई करता हूँ कि जी एच वन पे ये मैंने फॉन्ट फैमिली लगा दी, देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया कुछ इस तरह का हो गया, लेकिन ये फॉन्ट वो वाला नहीं है अभी भी, ये फॉन्ट अभी भी वो वाला नहीं है, ठीक है। तो अब वो फॉन्ट कैसे आएगा, मुझे फॉन्ट देखने पड़ेंगे कि यार कौन कौन से फॉन्ट होते हैं।
तो अच्छा मुझे ये तो पता लग गया कि ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है, तो मैं लिखूंगा सैंस सेरिफ फॉन्ट्स, फॉन्ट्स लिस्ट। गूगल पे जाके मैंने फॉन्ट्स की लिस्ट लगा ली तो मुझे पता लग जाएगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, शायद ये ओपन सैंस है, ओपन सैंस से काफ़ी मिलता जुलता आ रहा है ना, ओपन सैंस आ रहा है शायद ये। हाँ ओपन सैंस है ये, या इससे जो भी करीब तरीन होगा उसको मैं देख लूँगा यहाँ से। ओपन सेंस ही है वो, ठीक है ओपन सेंस, तो ये स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं ओपन सेंस जाके। सही है, ओपन सेंस लिख दिया मैंने, और अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये ओपन सेंस अप्लाई हो गया इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, फॉन्ट फैमिली इसके ऊपर लगा कर देख ली मैंने। अच्छा इसी तरीके से अब कोई और ट्राई कर लेते हैं, इतनी बड़ी लिस्ट जो इसने बताई थी इसके अंदर बॉर्डर ट्राई कर लेते हैं। बॉर्डर तो हमने ट्राई किया हुआ है ना ऑलरेडी, ठीक है बॉर्डर तो हमने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ था। अच्छा इसी तरह विर्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है किसी भी चीज़ की, है ना। जैसे इमेज की मैंने जो विर्थ दी हुई थी पहले वो मैंने डायरेक्ट HTML में दे दी थी, मैंने कहा था कि ये नॉट रिकमेंडेड है ना, ये इमेज के अंदर ये विर्थ मैंने दे दी थी ना 100 पिक्सल, तो ये मैंने कहा था नॉट रिकमेंडेड। मैं इसको हटा देता हूँ, और इसको हटा के क्या लगा देता हूँ यहाँ पे, एक क्लास लगा देता हूँ। ठीक है क्लास लगा देता हूँ मैं, प्रोफाइल फ़ोटो, ठीक है प्रोफाइल फ़ोटो। अच्छा क्योंकि मैंने यहाँ से वो हटा दिया है 100 पिक्सल, तो अब ये इमेज क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जो इसका एक्चुअल साइज़ था उस पर आ जाएगी, एक्चुअल साइज़ पर आ जाएगी। अच्छा तो प्रोफाइल फ़ोटो करके मैं क्या कर देता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ, और इस क्लास के अगेंस्ट मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि विर्थ 100 पिक्सल। तो ये सेम बात हो गई, और ये रेकमेंडेड वे है, वो रेकमेंडेड तरीका नहीं था। अच्छा आ जाते हैं जी, रिफ्रेश किया वापस सेट हो गई। अच्छा इसी तरीका हमारे पास क्या है, बॉर्डर लगा देता हूँ इस पर मैं, बॉर्डर 2 पिक्सल लगा देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड वाइट ये मैंने लगा दिया। अच्छा ये लेकिन मुझे कैसे पता लगा कि 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, ये यहाँ पे इसने बोला मैंने बॉर्डर, ठीक है मैं कहता हूँ यार बॉर्डर को एक्सप्लेन करो आप। एक्सप्लेन बॉर्डर विद एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा बॉर्डर को ना ये देखें इस तरह इसने ये बता दिया, ठीक है। अच्छा विड्थ और हाइट इसने वैसे ही लगा दिए, और पैडिंग भी इसने वैसे ही लगा दिए, असल में इसने बॉर्डर को एग्जाम्पल पे समझाया है, ठीक है। विर्थ मेरी जो फोटो है उस पर मैंने विर्थ 100 पिक्सल लगाई है, नहीं लगाता तो क्या होता, जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी रहती है, उसी पे बॉर्डर लग जाता है ना। हाइट मैंने नहीं बताई है, हाइट ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर ली है। इसी तरह पैडिंग जो चीज़ है, अभी पैडिंग भी देखते हैं क्या चीज़ है पैडिंग को, तो ये मैंने 2 पिक्सल सॉलिड और ये लगा दिया, ठीक है इसने मुझे यहाँ पर बता दिया, ठीक हो गया जी ज़बरदस्त हो गया। अच्छा यहाँ पर इसने अलग अलग भी बताया कि जी 2 पिक्सल क्या है, विर्थ है बॉर्डर की, सॉलिड क्या है जी उसका स्टाइल है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब है सॉलिड के अलावा कोई और भी स्टाइल होते होंगे, मैं पूछूंगा बता देगा ये, उसके अलावा कलर है, ठीक है तो ये हो गया जी। ठीक है इससे मैं पूछ भी सकता हूँ कि यार इसने बोला ना कि ये बॉर्डर स्टाइल है, तो मैं पूछता हूँ कि यार और कौन से बॉर्डर स्टाइल अवेलेबल है, लिस्ट अदर बॉर्डर स्टाइल्स। ठीक है इसने बोला कि जी एक सॉलिड एक हो गया, डॉटेड भी है, डैश भी है, और डबल भी है, तो मैं क्या करता हूँ डबल वाला ट्राई करता हूँ इस बार, मैं बोलता हूँ कि यार सॉलिड नहीं डबल, तो डबल लगाते ही देखते हैं कि मेरे पास क्या चेंज आता है। ये कुछ इस तरह की डबल लाइन आ गई है, ठीक है ना, पहले जो कि सॉलिड लाइन थी अब क्या हो गई है, अब एक डबल लाइन उसके अंदर आ गई। इसी तरह डॉटेड भी है, इसी तरह दूसरे और भी दो तीन उसने जो बताया वो भी है जी। हाँ क्या इसको हम सर्कल में कर सकते हैं, तो मुझे तो पता है लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसको मैं न्यू चैट करता हूँ, ठीक है ताकि पुराना भूल जाइए, और मैं इससे क्या पूछता हूँ कि हाउ टू मेक इमेज
इन सर्कल, सही है, विथ CSS, देखते हैं क्या बताता है ये। ये कह रहा है कि जी आप क्या करोगे, अच्छा विड्थ और हाइट तो ये हर चीज में लगा रहा है, बॉर्डर रेडियस किसने कहा 50% कर दो आप, बॉर्डर रेडियस इसने क्या बोला कि आप 50% कर दो, तो देखते हैं हम बॉर्डर रेडियस 50% करके क्या होता है। मैंने कहा कि जी बॉर्डर रेडियस 50%, तो इससे ये क्या हो जाएगी, इमेज मेरी गोल हो जाएगी। अच्छा इमेज को गोल करने के लिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आपकी इमेज हमेशा ना स्क्वायर होनी चाहिए, इमेज हमेशा क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। अगर आपकी इमेज स्क्वायर नहीं है तो आप जब इसको गोल करेंगे तो ये अंडे की शक्ल अख्तियार कर जाएगी, ठीक है, ये गोल नहीं होगी। अच्छा स्टिल अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज है जो सर्कल भी नहीं है लेकिन आप फिर भी उसको करना चाह रहे हैं तो उसको आप कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास ये एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज को मैं ऑब्वियसली क्या करूँगा, ऐसे कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं अपने पहले कोड में लाऊँगा इसको। यार क्या सीन है, ठीक है, इसको मैंने कह दिया कार, कार डॉट जेपीईजी, और इसी को मैं प्रोफाइल पिक्चर के बिल्कुल साथ ही इसको लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी इमेज स्लैश कार डॉट जेपीईजी, और इस पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, क्लास वही लगा देता हूँ, प्रोफाइल फ़ोटो, क्योंकि इसी प्रोफाइल फ़ोटो वाली क्लास में क्या हुआ है, वो सर्कल वाली चीज़ अप्लाई हुई हुई है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये सर्कल आ जाएगा। लेकिन आप नोट करें कि ये अंडे की शक्ल बन गई इसकी, क्यों, कि ये इमेज स्क्वायर नहीं थी, ठीक है। अच्छा अब इसको सही करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा जो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसने कहा कि आप बनाओगे एक डिव पूरा, उसके अंदर इमेज होगी, आप डिव का नाम होगा सर्कुलर इमेज और उसके अंदर इमेज होगी, फिर इस डिव के ऊपर इसने अलग CSS लगाई है, ये देखें ये डिव पे CSS लगी हुई है और ये उसके अंदर इमेज पे लगी हुई है, ये दो अलग अलग लगी हुई है, तो फिर मुझे इस तरह से करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसी तरह से कर लेता हूँ उसको, ये मैंने इमेज पूरा रिमूव किया और इसकी जगह ये लगा दिया, ठीक है। सोर्स इमेज के अंदर मैंने कहा कि यार डॉट स्लैश इमेज कार डॉट जेपीजी, ठीक है, सर्कुलर इमेज के नाम से अब की बार मेरी क्लास है, आप नोट कीजिएगा, प्रोफाइल फोटो इज अनदर क्लास, सर्कुलर इमेज इज अनदर क्लास, ठीक है। तो सर्कुलर इमेज पे अलग CSS है और इस इमेज पे अलग CSS है, तो इन्होंने जिस तरह बताया ना वैसे कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने ये दोनों CSS यहाँ से उठा ली और दोनों CSS को उठा के अपने पास क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया सर्कुलर इमेज, और आप देखें यहाँ पे ना एक सेलेक्टर, एक तीसरे किस्म का सेलेक्टर है, हमने तो दो ही किस्म के पढ़े ना, ये कहता है कि सर्कुलर इमेज और स्पेस डाल के IMG कहता है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे ये क्लास लगी हुई है उस एलिमेंट के अंदर अगर कोई इमेज है ना तो उस पे ही अप्लाई होगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन स्टिल इसमें क्या हो रहा है कि कुछ डिटेल इमेज की मिस हो रही है मेरे पास, क्योंकि इमेज मेरे पास रेक्टेंगुलर थी बट मैंने उसको सर्कुलर में कन्वर्ट किया, तो कुछ इमेज का जो कुछ हिस्सा था ना वो क्या हो गया, ओवरफ्लो करके उसने हिडन कर दिया। देखिए आपने यहाँ पे क्या बोला, इसको आपने बोला बॉर्डर रेडियस करो 50%, लेकिन ओवरफ्लो कोई चीज़ होती है ना तो उसको हाइड कर दो आप, ठीक है, विड्थ 150, हाइट 150 और बॉर्डर रेडियस 50%, और इसके अंदर जो भी चीज़ है क्योंकि ये है डिव और उसके अंदर एक इमेज है। अच्छा डिव क्या होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर, इट्स जस्ट लाइक अ बॉक्स कि उसके अंदर आप कोई भी चीज़ रखते हैं, ठीक है। तो हमने ये छोटी मोटी चीज़ें सीख ली, क्या क्या सीख लिया हमने, हमने जी विड्थ सीख लिया, हमने बॉर्डर सीख लिया, बॉर्डर रेडियस सीख लिया हमने, ठीक है जी, कलर सीख लिया, फॉन्ट साइज़, फॉन्ट फैमिली, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली थोड़ी थोड़ी करके। अच्छा तो ये हमने काफ़ी सारे CSS के सेलेक्टर्स, सॉरी काफ़ी सारे CSS के रूल्स हमने डिस्कवर कर लिए हैं, एक्सप्लोर कर लिए हैं। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप तमाम के तमाम CSS के रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे और उसके ज़रिए अपनी CV को आप बेहतर बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा काम सब लोगों से। अच्छा काम क्या करना है, आपने काम ये करना है कि आपने अपनी CV के अंदर इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर जिसने इमेज लगाई थी उसने इमेज को सर्कुलर करना है, ठीक है, या सर्कुलर नहीं तो जैसे आपका दिल करे उसको आप सिर्फ हल्के, अच्छा हल्के हल्के अगर कोने गोल करने हो फिर कैसे करते हैं, अगर हल्के हल्के कोने गोल करने हो ना तो उसको
जैसे मैं एक प्रोफाइल पिक्चर को मजीद करता हूँ, इस पर से मैं क्लास हटा देता हूँ, क्लास हटा दी मैंने इस पर से, तो ये चकोर आ गई दोबारा से। इसके कोने अगर मैंने हल्के हल्के गोल करने हैं तो बॉर्डर रेडियस में फिर 50% नहीं दूंगा, फिर मैं 10 पिक्सल 15 पिक्सल दूंगा तो उतने ही गोल होंगे वो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ के एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर प्रोफाइल। ठीक है, स्क्वायर प्रोफाइल के नाम से मैंने क्लास लगाई है। इधर आऊँगा मैं और प्रोफाइल फ़ोटो के नीचे मैं डॉट स्क्वायर प्रोफाइल लगा दूंगा, और मैं क्या बोलूँगा, बॉर्डर रेडियस अब की बार मैं कहता हूँ यार 15 पिक्सल। ठीक है, तो ये कोने हल्के हल्के गोल हुए हैं। ठीक है, इस पर भी फील नहीं हो रहा क्योंकि बॉर्डर नहीं लगा हुआ, बॉर्डर भी लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि जी बॉर्डर 2 पिक्सल डॉटेड वाइट। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हो गया। तो अगर हल्के हल्के कोने गोल करना तो 15 पिक्सल 20 पिक्सल आप उसको देंगे बॉर्डर रेडियस, तो ये हल्के हल्के भी गोल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब आपने ये करना है कि अपनी सीवी के ऊपर आपने अपनी सीवी को ओपन करना है, आपने उसके अंदर इस तरह की स्टाइलिंग को अप्लाई करके देखना है कि आया कि वो आपसे अप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अच्छा, और कोशिश ये करें कि इंटरनेट पे जाएं, लोगों ने जो सीवीज बना के रखी हुई है वहाँ पे पहले से, है ना, बहुत सारी सीवी बनाई हुई होती है लोगों ने। मैंने कहा कि यार रिज्यूमे, और इमेज पे गया तो आप देखें ये लोगों ने सीवी बना के रखी हुई है, सिंपल भी है और एलिगेंट भी है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश करें, इस तरह की बनाने की कोशिश करें, फिर देखें आपसे वो बन पाती है या नहीं बन पाती। इस तरह की बनाने की कोशिश करें। ठीक है, या मैं इसमें और सिंपल रिज्यूमे भी लिख दूँ। ठीक है जी, तो ये देखें सिंपल रिज्यूमे आ गया, इसमें फ़ोटो भी नहीं है कुछ, लेकिन अच्छा लग रहा है। जी फोटो को सॉरी अच्छा, इसकी हम एक क्लास इंशाल्लाह और करेंगे जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि यार अगर आपकी फ़ोटो है ना आपके स्क्रीन के दूसरी साइड पर है तो आपने इस साइड पे उसको कैसे लाना है ना। हम जो नेक्स्ट क्लास में अब जो बात हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फ्लेक्स बॉक्स लेआउट अप्रोच, है ना, कि एक वेबसाइट का जो लेआउट है वो कैसे बनता है। जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो आपको बता देता हूँ अभी से। मैं कह देता हूँ लेआउट, ये जो आपने सवाल पूछा ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इमेज में गया, वेबसाइट लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, हर वेबसाइट का ना एक लेआउट होता है, कुछ इस तरह का हो सकता है वो कि जी टॉप पे हेडर है, नेविगेशन बार है, फिर नीचे फूटर लगा हुआ है, दरमियान में कॉन्टेंट है ना, इस तरह का होता है ना। जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाऊँ, है ना, देखिए इस तरह का लेआउट होता है कि एक दो वेबसाइट का लेआउट है एक्चुअली। ठीक है, ये इधर प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, इधर नेविगेशन बार बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी फ़ोटो लगी हुई है, फिर यहाँ एक हेडिंग है, नीचे पैराग्राफ है, फिर एक और पैराग्राफ है, फिर नीचे तीन डब्बे बने हुए हैं। तो ये लेआउट बनाना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है, अगर आप चाहें तो ये ख़ुद भी कर सकते हैं, एक्सप्लोर करें, चैट जीपीटी आपके पास है, आप उनसे पूछें कैसे बनता है लेआउट। लेकिन अभी लेआउट का चक्कर शायद अभी इतना अगर समझ नहीं आ रहा ना तो उसको छोड़ दें, अभी सिर्फ कलर्स और ये बॉर्डर वगैरह और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको करके दिखाया है। अब आप देखें ना, जो हमारी पहले वाली जो सीवी थी, अभी तो मैंने इसमें तो तीन तीन फ़ोटो लगा दी है, लेकिन स्टिल जो हमारी पहले वाली सीवी थी, यहाँ पे इसको भी खोलते हैं, उससे तो कितना फ़र्क आ गया ना इसमें लुक एंड फील में। देखिए ये लुक एंड फील और ये लुक एंड फील कितना फ़र्क आ गया, तो इतना फ़र्क तो एटलीस्ट पहले लेकर आए ना। पहले CSS से अपना हाथ सेट करें, कोई 20-25 रूल आप लगाएंगे अपने हाथ से, कोई 2-4 सेलेक्टर अपने हाथ से लगाएंगे आप, तो आपको CSS पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, CSS बाय द वे पूरी आ गई है आपको, जस्ट आपने अब क्या करना है, रूल्स को एक्सप्लोर करना है, जितने रूल हैं वो सब लगाएंगे आप, तो आपकी CSS पूरी हो गई। ठीक है, अच्छा ये जो रूल्स हैं इसके बारे में भी एक और भी बात बता दूँ मैं कि ये दीज आर जस्ट टूल्स। जैसे कारपेंटर होता है, उसके पास आरी होती है, हथौड़ी होती है ना, और छोटे छोटे और भी टूल्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, उसके पास टेस्टर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, प्लास होता है, तो इसी तरह ये जो CSS के रूल्स हैं ये सारे, ये आपका टेस्टर, प्लास और पाना है ना,
ये आपकी आरी हथौड़ी है, ये आपकी, ये टूल्स हैं आपके सारे। अब उस हथौड़ी से क्या करना है, ये एक्सपीरियंस से आता है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन जो है वो हथौड़ी से, वैसे तो कील ठोकने के काम आती है, लेकिन वो हथौड़ी से और भी काम कर रहा होता है, तार भी छील लेता है, तार को रखता है वो टक टक हथौड़ी मारता है, तार छिल जाती है, करता है ना इलेक्ट्रिशियन ये उल्टी हरकतें, तो वो कर रहे होता है जी जवान। तो अब एक तो हमने देख लीजिए कि बॉर्डर रेडियस गोल करने के काम आता है ना, इसी तरह हथौड़ी कील ठोकने के काम आते हैं, लेकिन वो उससे अब डेवलपर्स आप सम टाइम देखेंगे ये उस प्रॉपर्टी को ज़रा अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये देखा कि अभी आपका जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो तमाम अवेलेबल टूल्स से इंट्रोडक्शन हुआ है। एक कारपेंटर को अभी ये सिखाया गया है कि जी ये आरी है, इससे लकड़ी को काटा जाता है, ये गिलू है, इससे लकड़ी को चिपकाया जाता है, ये हथौड़ी है, इससे लकड़ी को ठोका जाता है। अब इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए एक कारपेंटर एक टेबल जो तैयार करेगा ना, वो फेज़ अभी बाकी है। इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अब कोई चीज़ बनाए ना, कोई रियल लाइफ की कोई चीज़ बने, ये फेज़ अभी अभी ये आहिस्ता आहिस्ता आता है। आप कारपेंटर के पास गए, आपने सारा सीख लिया, टेबल आपने पहली टेबल आपने बना ली, लेकिन अब वक्त के साथ साथ आप आपकी लर्निंग होती रहती है, आप एक्सपीरियंस के साथ साथ गेन करते जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि आप, क्योंकि कुर्सी तो मार्केट में $100 की भी है और $1,000 की भी है और $5,000 की भी है, तो जाहिर है जो फौरन फौरन अभी कारपेंटर बना है वो तो कहेगा यार मुझसे आप 2,000 पाकिस्तानी रुपए की तो टेबल पहले ले लो आप, है ना, 2,000 की उससे कोई टेबल ले रहा है अगर तो उसके लिए शायद अच्छी बात है ये, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट रेट के ऊपर वो मैच करेगा, और अल्टीमेटली क्या करेगा, वो कोई ऐसी टेबल बना देगा जो शायद लोग पता नहीं $10,000 में ख़रीदें। तो ये फेज़ अभी आपका रहता है। अच्छा, ये कैसे होगा, ये एक्सपेरिमेंट्स करने से होगा, ये हाथ से जब तक आप करेंगे नहीं जब तक नहीं होगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे करके बताया, बड़ा स्मूथली हर कुछ होता जा रहा है, आप करेंगे इतना स्मूथली नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप पहली दफ़ा कर रहे होंगे, आप फंसेंगे, स्टक होंगे, हेल्प लेंगे चैट जीपीटी से, अपने दोस्तों से हेल्प लेंगे आप, और अल्टीमेटली क्या होगा, अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात जो होगी वो नेक्स्ट वीक होगी, राइट, तो आपके पास पूरा एक हफ़्ता है, यहाँ पर पूरा एक हफ़्ता आपके पास मौजूद है जिसके ज़रिए आप ये बनाएंगे। अच्छा, तो वेल, अभी मैं आपको कोई असाइनमेंट मज़ीद नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपका असाइनमेंट स्टिल क्या है कि वही CV आपकी, वही रिज्यूमे, उसको आपने क्या करना है, स्टाइल करना है CSS के ज़रिए। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाऊँगा, तो फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाने के बाद आपको मैं 3 वेबसाइट का नाम बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी तो आप इसी CV पे मेहनत करें। फ्लैक्स बॉक्स पढ़ाने के बाद मैं 3 वेबसाइट का आपको नाम बताऊँगा, जब उसके बाद मैं वो तीनों असाइनमेंट आपको दूँगा, तो आपने वो क्या करनी होगी, फ्लैक्स बॉक्स पढ़ने के बाद ना क्या हो जाएगा, तीनों HTML, CSS और फ्लैक्स बॉक्स, तीनों चीज़ें आ जाएंगी आपको, तो उससे आप कोई भी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं। तो मैं 3 वेबसाइट आपको बनाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं, अब वो अगली क्लास के बाद, तो वो आपको फिर पूरा हफ्ता दूंगा मैं उसके लिए, वो तीनों वेबसाइट आप फिर बना के मुझे चेक करवाएंगे, ठीक है जी। चले, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी तो टाइम है आपके पास, तो आप ये करेंगे अभी बनाना शुरू कर दें इसको, आप यहीं पर बनाना शुरू कर दें।